वेलकम। ग्रुप थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक और वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं क्या है ये प्रेजेंट क्वेश्चन मेरे सामने। शो दैट इन ए ग्रुप जी द इक्वेशन ए इन टू एक्स इज इक्वल टू बी एंड y into a is equals to b have a unique solution for a b in g। ठीक है, अब आपको बोला गया a and b are the elements in g and g is a group। आपने बोला since g is a group और A inverse belongs to G, because A is the element in G, तो पक्की बात है हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उस G से बिलोंग करता होगा फॉर ऑल A belongs to G। ठीक है, कोई एलिमेंट G से बिलोंग करता है डेफिनेटली उसका इनवर्स भी वहां प्रेजेंट होगा और वो भी उस ग्रुप जी से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो आइए जी, हमसे पूछा गया कि ये जो एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन बोथ हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए इंटू एक्स या ए बाइनरी एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट। Then, if we operate both sides by A inverse, then it gives me A inverse B. A, B belongs to G, or you can say inverse and A and X. They all belongs to the group G. Associative law apply कर सकते हैं आप। We can also write A inverse into A और binary A X is equals to A inverse into B. And what about A inverse A? That gives identity E into X equals A inverse B। क्या लिखा मैंने, A inverse A is equals to identity, all right। Now identity into X और identity binary X ये भी मालूम है आपको, E और X into E that gives the same element once again, which gives X is equals to A inverse B, which is the unique solution. All right. यूनिक सॉल्यूशन किसका, ऑफ ए बाइनरी एक्स इज इक्वल्स टू बी। नाउ कंसीडर द सेकेंड वन, दूसरी इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन नाउ। Consider y into a is equals to b, right? y into a is equals to
बी। बिल्कुल उसी तरीके से ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, वाई बाइनरी ए इनवर्स बी इनवर्स, राइट। और यू कैन राइट वाई ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, और यू कैन राइट वाई आइडेंटिटी हियर ए इनटू इनवर्स इज आइडेंटिटी, दैट गिव्स मी बी इनवर्स वाई इनटू आइडेंटिटी मीन वाई, विच इज अगेन ए यूनिक सॉल्यूशन। y is equals to b into a inverse or b binary a inverse, right, which is also the unique solution for the second equation, which is the unique solution of y binary a is equals to B, सिंपल। अब डायरेक्टली भी हम इसको यूज करेंगे कहीं अगर शायद जरूरत पड़े हमें तो यूनिक सॉल्यूशन इन दिस केस ए बाइनरी एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स गिव्स मी ए इनवर्स बी। वैसे भी सिंपली भी अगर हम सॉल्व करते हैं वैसे भी तो बी इंटू ए इनवर्स यानी ए इनवर्स बी, और वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ए इज इक्वल टू बी के लिए B A inverse and here it is A inverse B. Is it fine? Right. आइए next question पर चलते हैं, देखते हैं और question क्या है जी मेरे पास। एक question और है मेरे सामने, देखिए। Right. अब देखिए इस question में क्या है। Show that if every element of group G is its own inverse. हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स है, देन जी इज अबिलियन। अबिलियन प्रूव करके देना है जी आपको। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको बोला गया ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए का इनवर्स कौन है, ए है। For all A belongs to G, यानी G से belong करने वाले सारे के सारे elements अपना ही inverse है। A का inverse कौन है, A है। B का inverse कौन है, B है। C का inverse कौन है, C है। इन कोई भी element आप G से belong करने वाला देखें तो उसका inverse A ही आता है जी। This is given to us, right? अब अगर हम ये सपोज करें कि ए बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी, देन ए बाइनरी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि आपको क्या मालूम है, क्लोजर लॉ। जी अगर एक ग्रुप है तो ए बाइनरी बी, बाइनरी ऑपरेशन दोनों में लगाया तो उस पर ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो एलिमेंट आपके पास आना चाहिए दैट आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो जी ग्रुप को आपको गिवन है तो डेफिनेटली ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता होगा जी। देन ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स, ए जी से बिलोंग करता है तो ए का इनवर्स ए होगा, बी जी से बिलोंग करता है तो बी का इनवर्स बी होगा, ए बी बिलोंग्स टू जी है तो पक्की बात है ए बी का इनवर्स भी ए बी ही होगा। इनवर्स ऑफ ए बी इज ऑल्सो ए बी, इनवर्स ऑफ बी इज बी, इनवर्स ऑफ ए इज ए, ऐसा मेरे पास है, करेक्ट। आइए अब कंसिडर करते हैं। Now, AB whole inverse किसके इक्वल, AB का इनवर्स किसके इक्वल, AB के इक्वल। ये मेरे मालूम है जी मुझे। अब मुझे मालूम है कि AB का whole inverse अगर हम करते हैं
तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को, इज इक्वल्स टू ए बी। अब बी का इनवर्स कौन है जी, बी का इनवर्स तो बी है, तो इस बी के इनवर्स के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, बी, राइट। ए के इनवर्स के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, ए, किसके इक्वल, बस हो तो गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी, यही तो जरूरी होता है एबिलियन के लिए। बस केवल यहां मैं ये लिख देता हूं दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। अभी आगे बताता हूं मैं थोड़ी देर में प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप, राइट। तो बी का इनवर्स, ये यहां से बी लिख दिया मैंने, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के प्लेस पर मैंने लिखा बी ए, और वो किसके इक्वल, ए बी के इक्वल। बी ए इज इक्वल टू ए बी का मतलब हुआ कि ग्रुप जी इज सेटिस्फाइंग द कम्यूटेटिव लॉ, इट मीन इट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। सो जी इज अबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह देते हैं, जी को आप कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप बोल दीजिए जी, बेटर। तो अच्छा प्रॉब्लम है, समझ में आया होगा आपको, करेक्ट। आइए और आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज, प्रूफ नहीं दे रहा उनके, केवल बता रहा हूं आपको, जी मेरे पास एक ग्रुप है, देन ए इनवर्स इनवर्स, ए का इनवर्स करो एक बार फिर इनवर्स कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास, ए इटसेल्फ, दोबारा से ए आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो पीछे अभी एक प्रॉब्लम के अंदर हमने यूज की, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। इसके बाद ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं जो कि जी से बिलोंग करते हैं, अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है तो ए को दोनों साइड से काट दीजिए, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, क्या बच गया आपके पास, बी इक्वल टू सी, ठीक है। नॉर्मली भी हम कर लेते हैं जनरल में, लेकिन ये ग्रुप थ्योरी है इसमें भी ये कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो जाता है, b into a is equals to c into a, right cancellation law लगाइए, b is equals to c बोल दीजिए, correct। next property third one, g is a group for a belongs to g, m and n they are the integers, z से belong करते हैं, तो then a to the power n inverse is equals to a inverse to the power n, दोनों का result ए टू द पावर नेगेटिव एन, करेक्ट। सर्ड्स में हम लोग यूज करते हैं, ग्रुप में भी वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है, ए टू द पावर एम ए एन गिव्स मी ए टू द पावर एम प्लस एन, ऐसा ही ए टू द पावर एम टू द पावर एन मीन मल्टीप्लीकेशन ए टू द पावर एम इन टू एन, इज इट फाइन। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने दो क्वेश्चंस करने सीखे, एक ये प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास इनवर्स वाला था जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑन इनवर्स देन जी इज अबिलियन, याद भी रखना है मुझे इसको, क्योंकि आगे जब ग्रुप को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में करेंगे, सब ग्रुप्स करेंगे या और कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, तो वहां पर डायरेक्टली भी हम लोग इसको यूज करेंगे जी, है ना, करेक्ट। और लास्ट में हमने जाकर के सीखा सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, तो इतना ही रहने देंगे यहां पर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।